हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल वंस अगेन। गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपके साथ लिनिया का वीक 8 पार्ट 1 शेयर किया था और वीक 8 यहाँ पर फिनिश होने में यहाँ पर 3 दिन बाकी हैं। 7th of July को ये फिनिश होने वाला है। हमारे यहाँ पर 100% टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 शेयर किया था, इसके अंदर 10 टास्क आपके साथ मैंने शेयर किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 100% टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ एक टास्क है दोस्तों जो यहाँ पर वेरीफाई होना रह गया है, तो वो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके सारे यहाँ पर टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अराउंड टोटल यहाँ पर 51-52 के आसपास के टास्क हैं। एंड इन सभी टास्क को कंप्लीट करने में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस फीस की नीड पड़ी है। अराउंड इन सभी टास्क को कंप्लीट करने में मेरे यहाँ पर 50 से लेकर 55 इथेरियम के आसपास यहाँ पर टोटल स्पेंट हुए हैं। तो हम लोग इथेरियम को कैसे ले सकते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपके साथ पार्ट 1 के अंदर शेयर किया था कि हम लोग इथेरियम को कैसे बाय कर सकते हैं लिनिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो फॉसेट मिल रहा है उससे काम नहीं होगा। एंड इसके अलावा बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन है कि लिनिया के टास्क कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, बेनिफिट्स यही हैं कि जब हम लिनिया के टोटल यहाँ पर सारे वीक टास्क कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, टोटल यहाँ पर 9 वीक टास्क थे, 8 वीक यहाँ पर फिनिश होने वाला है, 9th वीक दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, उसके अंदर क्या टास्क होगा फाइनली, हो सकता है कुछ प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर या प्रूफ ऑफ वर्क को लेकर यहाँ पर कुछ फाइनल टास्क हो सकता है। मतलब ऐसा टास्क हो सकता है जिसमें कि साइबल यूजर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सके, तो कुछ ऐसा टास्क यहां पर आ सकता है वीक 9 के अंदर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या टास्क आता है, वो पता चल जाएगा। बाकी जो लोग सारे वीक यहां पर कंप्लीट करेंगे, उन लोगों को उनकी रैंक के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स अर्न करे हैं उस हिसाब से यूनिक NFTs मिलेंगी। ये NFTs मल्टीपल गेट्स ओपन कर सकती हैं लिनिया की इकोसिस्टम के अंदर, और हो सकता है इन NFT की मदद से हम लोगों को एयरड्रॉप भी फ्यूचर में मिले। तो लिनिया की इकोसिस्टम की हाइप काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी, यहाँ पर अर्ली यूज़र एयरड्रॉप देने का कोई नया तरीका आया है दोस्तों। शायद मुझे लगता है लिनिया कुछ नया तरीका लेकर आ सकता है, क्योंकि अर्ली यूज़र तो काफ़ी सारे हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पर काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं लिनिया के इकोसिस्टम के अंदर। एंड इतने सारे यूज़र्स को एयरड्रॉप की मदद से सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारे यूज़र डिस्क्वालीफाइड भी होंगे। कुछ ना कुछ नया सीन ये लोग लेकर आएंगे। एयरड्रॉप दोस्तों एक बार में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये वीक कंप्लीट करने के बाद सिर्फ डायरेक्ट एयरड्रॉप मिल जाएगा, हम लोगों को NFT मिलेगी, और उन NFT की मदद से यहाँ पर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डिफरेंट रिवॉर्ड की या फिर कोई एक बड़े एयरड्रॉप की। तो ये दोस्तों मेरा पूरा ओवरव्यू है लिनिया के ऊपर, जो सिंपल वर्ड्स में आपके साथ मैंने शेयर किया है। बाकी की हम यहाँ पर अपने पेंडिंग टास्क हैं उनको कंप्लीट करते हैं। Thank you.
Yeah.